हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सेंडो औरेब बनियान की जानकारी। तो इस वीडियो में हम आपको सेंडो औरेब बनियान की जानकारी देंगे। तो कई लोगों ने पूछा है कि इसमें कपड़े कितने लगते हैं। तो इसमें अगर आप सेंडो बनियान बिना बाही वाली बनाएंगे तो आपको 1.25 मीटर कपड़े लेने पड़ेंगे, और अगर आस्तीन हाफ आस्तीन की बनाएंगे आप तो इसमें आपको 1.5 मीटर कपड़े लग सकते हैं। तो इसका साधारण सा अर्ज, इसका कपड़े का अर्ज होता है 1 गज यानी 36 इंच। तो आप इसमें ही बना सकते हैं सेंडो औरेब बनियान। तो जैसे कि हमने 100 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और जिस इंसान का हम बना रहे हैं उसको मतलब सेंडो बनियान चाहिए। तो दोस्तों, सेंडो औरेब बनियान बनाना आसान भी है और नहीं भी है, क्योंकि ये थोड़ा औरेब कपड़े करके बनाया जाता है। क्योंकि जैसे आप बाज़ार से कोई भी अंडरवियर बनियान पहनते हैं तो उसमें स्ट्रेचेबल कपड़ा रहता है, तो और ये साधारण कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेचेबल बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक सेंडो औरेब बनियान की सिलाई और कटिंग कैसे होती है, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो वीडियो हमारे साथ पूरा बने रहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा इसमें कॉटन का कपड़ा आप अगर बनाएंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसको गर्मी में भी पहना जा सकता है। और आपके घर में अगर बूढ़े अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए आप सेंडो बनियान बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए आज चलते हैं, हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, एक सेंडो बनियान की जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कपड़े उल्टा सीधा है तो उसको पहले सबसे पहले उल्टा कर लें। इस तरह से हमने इसको उल्टा कर लिया है, अब आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो भाग है ये सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है। तो हमने इस पर मार्जिन कर लिया, निशान लगा लिए उल्टे वाले में। तो सबसे पहले हमको, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि हमने देखे आपका, हमने ऊपरी पल्ला लिया हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले हम इसको फोल्ड करके सिलाई मार देंगे इस तरह से, क्योंकि यह स्ट्रेचेबल बनाना है हमको, इसलिए सिलाई मार के ही कटिंग करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ फोल्ड करके सिलाई मार देते हैं इस तरह से, आप देखते रहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई काम आप सीख रहे हैं तो उसमें सीखने में भी समय लगता है, देखने में भी, समझने में भी समय लगता है। अब जैसा कि हमने इसको सिलाई मार दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने खोल को इसलिए बना लिया है। अब दोस्तों, जैसा कि इसकी साइज कैसा आपको निकालना है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, हमारा दोनों पल्ला है ये, और हमने ऊपर वाला मुँह जो है इसको सिलाई से बंद कर दिया है सिलाई मार के। अब जैसा कि इसका जो सीना है वो 32 इंच है, हम 32 इंच के सीने के हिसाब से बनाएंगे इसे। और इसका शोल्डर जो है वो 17 इंच है और इसकी लंबाई जो है 27 इंच है, तो हम इसी साइज से इसको बनाएंगे। अब इसको हमको स्ट्रेचेबल बनाना है। तब देखिए दोस्तों, अब ये जो कपड़ा है हमको इस तरह से इसका तिरछा करना है, इस तरह से ऐसा तिरछा करते जाना है हमको इस तरह से। अब देखिए, और ये स्ट्रेचेबल बन रहा है, इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे, ये जो सिलाई हमारी है ये भागते जाएगी इस साइड से। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको हम इसकी, अब हम इसको घुमाते जाएंगे। अब जैसा कि इसका सीना जो है 32 इंच है, तो हमको इसको रखना कितना है, सीने का चौथा भाग उसमें प्लस 1.5 इंच रखना है हमको, यानी 3 इंच रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 3 हैं, 32 3 35 इंची हो जाएगा। तो हमको 17.5 इंच इसको रखना है, आप देख सकते हैं इसको हमको यहाँ तक 17.5 इंच रख लेना है। 18 भी रखेंगे तो भी नहीं, तो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा लूज रहेगा तो ठीक रहता है। अब हमको इसको, ये जो पल्ला है इसको हमको इस तरह से घुमा लेना है। अब घुमाकर हमको इसको इस तरह से पकड़कर सिलाई मार देना है इस तरह से। अब दोस्तों, हमने देखो इसको सिलाई मार कर हमने पूरा इसको स्ट्रेचेबल बना दिया। वैसे देखो ये स्ट्रेचेबल हो गया है कपड़ा, ये खींचता भी है। अब इसकी हमके जो इसकी चौड़ाई जो है वो देखिए 18.5 इंच आ रही है। तो क्योंकि सीना 32 इंच है तो इसका चौथा 8 इंच आएगा, उसमें हम प्लस इसमें 1.5 इंच जोड़ देंगे तो 8.9 इंची यानी 19 इंची। तो हमने थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है ये 19 इंच करेंगे तो भी चलेगा, आप ये पूरा 19 इंच है हमारा। अब ये हमको, अब इसको हमको इसमें शोल्डर कटिंग करना है आपको,
अब देखिए पूरा हमने घड़ी इसको खोखा मार दिया पूरा इसका। अब इसको हमको इस तरह से घड़ी कर लेना है। अब इसको हमने इसके ऐसा घड़ी कर दिया है। अब हमको सबसे पहले इसमें लंबाई निकाल लेना है। जैसा कि हमारी लंबाई 27 इंच है तो हम यहाँ 27 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ हम 1.5 इंची फोल्डिंग करने के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हमको यहाँ से सीधा इसको कटिंग कर देना है। अब हमने कटिंग कर दिया। अब आप देख सकते हैं अब इसमें हमको शोल्डर की कटिंग करना है। जैसा कि दोस्तों ये सेंडो बनियान है और ये तो अगर आप इसमें अगर बाहीं लगाना चाहेंगे तो आपको पूरा शोल्डर रखना पड़ेगा क्योंकि इसका शोल्डर 17 इंच है तो हमको 8.5 इंच इसको यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ से फिर हमको सीने का चौथा भाग करके आर्म होल का निशान लगाना पड़ेगा यहाँ से। अब 8 इंची हो जाएगा ये देखिए। अगर इसको हमको सेंडो बनाना है तो इसमें हमको आधा इंच माइनस कर देना है इस तरह से। चूँकि हमको इसमें आस्तीन नहीं लगाना है, हमको केवल सेंडो बनाना है। अब चूँकि हमको इसमें 5 इंच गले की चौड़ाई रहेगी तो हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और पट्टी के लिए आपको सेंडो बनियान के आप जानते हैं कि पट्टी कितनी चौड़ी रहती है, 2 इंची से 2.5 इंची तक। तो हम यहाँ 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे। ये हमारा सब मिला के हो गया 5.5 इंची। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने माइनस किया हुआ है ये। और यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐसा लाइन खींच देंगे सीधा सीधा। अब यहाँ से हम इसको आर्म होल की निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं अब हमको इसमें बैक का गला निकालना है। बैक का गला आप जानते हैं 1.5 इंच रहेगा। 1.5 इंच हम यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। और आगे का गला जो है वो 5 इंच रहेगा, यानी 5 इंच 5.5 इंच 6 इंच, क्योंकि इसमें मुंडी जाना चाहिए। इसको हम गोल गला निकालेंगे इस तरह से तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह से। क्योंकि इसमें हमको आस्तीन नहीं लगाना है इसलिए हमको आर्म होल को ज़्यादा कटिंग करना पड़ेगा। और इसको हमको बैक गला पहले कटिंग कर लेना है हमको इस तरह से। इस तरह से हमको बैक गला कटिंग कर लेना है। फिर हमको अब आगे का गला कटिंग करना है। चूँकि हमारा आगे वाला पोर्सन हो गया और ये जो सिलाई वाला पोर्शन है, ये जो सिलाई आप देख रहे हैं ये बैक साइड का हो गया। तो अब इसको हमको गला निकालना है इस तरह से। इसको इस तरह से हमको इसको सीधा रख लेना है। इसको बराबर कपड़े को घड़ी रखें, बराबर से इसको बैठा लें आप। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आप सेंडो बनियान बना पाएंगे, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। इस तरह से इसको खूब अच्छे से नाखून से बैठा लें पहले। अब देखिए हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है गले का। इस तरह से निशान लगा लें आप सबसे पहले। अब इसको गले को कटिंग कर लें। ये हमारा आगे का गला कटिंग हो गया ये। अब देखिए अभी इसको हमने गले को कटिंग कर दिया है। इसको सबसे पहले सबसे अच्छे से बैठा लें पहले कपड़े को। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऑरेब हो गया है पूरा, पूरी तरह से। आप देख सकते हैं ये पूरा हमने आगे का पूरा गला गोल गला निकाल लिया है। अब ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। इसमें ऑरेब पट्टी, जैसे आप ब्लाउज व्लाउज में पट्टी लगाते हैं उसी तरह इसमें भी पट्टी लगेगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये हमने सिलाई मारा था इस पर हम किनारे सिलाई मार लेंगे इसको इस भाग से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि इसको फोल्डिंग करके सिलाई मारा जाता है ताकि इंटरलॉक मारने की ज़रूरत ना पड़े। अब दोस्तों इसमें हमको पट्टी निकाल लेना है और ये पट्टी गले की तरफ, और ये हमारा जो आर्म होल है इसमें हमको पट्टी लगा लेना है। और यहाँ अब हम आपको लास्ट में बताएंगे यहाँ पॉकेट कैसे लगता है, कट पॉकेट कैसे लगता है। और ये बनियान में आपने देखा होगा कि सामने पेट के ऊपर एक जेब लगता है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बनाएंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो फिर आगे हम दिखाते हैं पोस्टर इसमें कैसा होगा। अब आपको इसमें गले की पट्टी, अगर आपके पास इसी मैचिंग कपड़ा है तो आप इसको इस तरह से रख करके इसमें आप गले की पट्टी गोल तरह की पट्टी निकाल लेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमने गले के लिए पट्टी निकाल लिया है। आप चाहे तो राउंड पट्टी भी निकाल सकते हैं। ये हमने स्ट्रेचेबल पट्टी और एक पट्टी निकाला हुआ है। तो जैसे ब्लाउज में आप गला बैठाते हैं आप उसी तरह से इसको गले में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा,
किनारे मार लेंगे ताकि हमको ताकि गले में बैठाने के लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह से आप पहले इसको सिलाई मार लें। अब ये जो गला है, अब इसमें हम इसको पट्टी को इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे एक साइड से। इस तरह से आप इसमें पट्टी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, आप चारों बाजू कटिंग करके गोल गोल पट्टी निकाल करके भी अगर आपको इस तरह से नहीं जम रहा है तो आप उस तरह से निकाल लगा सकते हैं, आपको जैसा जमे वैसा आप बना सकते हैं पट्टी। अब इस गले में जहाँ जहाँ राउंड थोड़ा सा हो जाता है राउंड रहता है वहाँ आप इस पट्टी में छोटा सा प्लेट बैठा दें ताकि वह फोल्ड करने में नीचे आसानी हो जाए। अब इसको हम नीचे इस पट्टी को हम नीचे फोल्ड करके इसको थोड़ा सा बैठा देंगे नाखून मार करके। अगर आपके पास आयरन है तो उससे भी आप बैठा सकते हैं। तो इसको हम नीचे की तरफ करके इसका ऊपर से हम सिलाई इसमें मार देंगे। आप इस तरह से इसको सिलाई से हम चारों तरफ सिलाई इसमें बैठा देंगे। अब दोस्तों हमने इसमें देखिए पट्टी भी लगा दिया गले में और आर्म होल में भी हमने फोल्ड कर दिया हुआ है। इस तरह से भी हमारा ये गला भी बन गया है और आर्म होल भी बन गया है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कट पॉकेट कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर आपके पास मैचिंग कपड़े हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दूसरे कपड़े भी लगा सकते हैं लेकिन कपड़े मिलता जुलता हो तो और अच्छी बात रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि एक कट पॉकेट कैसे लगाया जाता है। वैसे आप इसमें ऊपर से भी पॉकेट लगा सकते हैं लेकिन ऊपर वाला पॉकेट कुछ लोगों को नहीं जमता है इसलिए इसमें कट पॉकेट लगाया जाता है। तो चलिए हम वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो हमने पॉकेट का कपड़ा निकाल लिया हुआ है, देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 7 इंच है, 7.5 भी रखेंगे तो भी चलेगा। और इसकी लंबाई जो है आप देख सकते हैं 14 से 15 इंच रहेगा क्योंकि इसमें पूरा हाथ डाला जाता है और एक पट्टी भी लगेगी इसमें, क्योंकि इसका जो मुंह है वो 6 इंच रहेगा आप देख सकते हैं। आपको एक ऐसे पट्टी चाहिए जो 6-7 इंच की लंबाई होनी चाहिए, 7.5 इंच की, और ऐसा एक कपड़ा चाहिए आपको। तो अब इस पर हम कैसे पॉकेट लगाएंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा रहा बनियान, तो इस पर हम निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग ये हमारा 7 इंच फोल्ड के लिए हो जाएगा और यहाँ से अब हमको 6 इंच पे, यहाँ से हमको करीब लगभग 7 इंच पे निशान लगा लेना है क्योंकि पूरा 7 इंच का पॉकेट तैयार होगा आपका। और यहाँ से फिर आपको 6 इंच का जो मुँह खुलेगा वो 6 इंच का आप निशान लगा लेना है। अब याद रहे कि आपका जो एक गले का सेंटर है इसके सेंटर पर ही पॉकेट लगेगा, ये सेंटर पर ही आप ऐसा देख सकते हैं। ये जो ये हमारा एक गले का भाग हो गया सामने का और यहाँ से हमको 6 इंच हमको निशान लगा लेना है इस तरह से ऐसा। अब यहीं से हमको इस पॉकेट को इस तरह से ऐसा बिठा लेना है इस तरह से ऐसा सीधा से पॉकेट को हमको लगाना है। अब सबसे पहले यहाँ हम पट्टी लगाएंगे, कटिंग कर देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने देखिए आप हमने यहाँ कटिंग कर दिया है, ये देखिए ये 6 इंच का हमने, ये हमारा मुँह जो हाथ डालने के लिए हमने इसमें हाथ डालने के लिए 6 इंच का हमने कटिंग किया हुआ है। अब इसको हमको लगाना कैसा है अब आप देख सकते हैं। इसको केवल सामने वाला पल्ला लेना है आपको इस तरह से, इसको आपको मशीन के अंदर करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्योंकि आपको जो पॉकेट बनाना है वो दाहिना हाथ आपका मतलब जाएगा उसमें जेब में, दाहिना हाथ जाने के लिए आपको बाएं साइड में पॉकेट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमने निशान लगाया कट किया हुआ यहाँ हम कपड़े का कपड़ा जो पॉकेट का कपड़ा है वही हम जोड़ेंगे। इसको हम इस तरह सिलाई मार देंगे इस तरह यहाँ से, जहाँ तक हमने कट किया वहीं तक हमको सिलाई मार लेना है सबसे पहले। अब यहाँ हमको एक कट का निशान लगा देना है सीधी भाग से। अब इसको अब यहाँ से हमको ये जो हमारा एक कपड़ा है ये हमको इसको यहाँ लगा लेना है सबसे पहले। इसको फोल्ड करके हम इसको फोल्ड करके यहाँ से इसको लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमने पट्टी भी लगा लिया है और ये हमने पॉकेट का कपड़ा लगा। अब इसको पॉकेट का कपड़ा जो है हमको अंदर साइड कर देना है, इसके साइड कर देना है, अंदर साइड कर देंगे और ये हमारा सामने पट्टी रह जाएगा ये। अब इस पर हम
ऊपर से एक सिलाई मार देंगे, सिलाई मार कर इसको अच्छी तरह से हम बैठा देंगे, इसमें सिलाई मार देंगे इसको मशीन को अंदर करके, तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। अब इसको हम अंदर साइड से सिलाई मार देंगे और ये हमारा पूरा कपड़ा पॉकेट के लिए तैयार हो जाएगा, पूरा पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक सैंडो और एक सैंडो बनियान बना सकते हैं, क्योंकि आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमने पॉकेट को लगा दिया है, एक कोट पॉकेट है। तो सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, हमने जो है दाहिना हाथ हमारा जो है वही इस पॉकेट में जाएगा ऐसा, इस तरह से। तो ये थी बनियान बनाने की जानकारी दोस्तों। तो अब यहाँ हम नीचे इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, ये हम किनारा थोड़ा सा फोल्ड करके इसका इस तरह से इसको हम बना देंगे। तो ये रही हमारी, देखिए आप देख सकते हैं आप, एक सैंडो और एक बनियान किस तरह से बनाया जाता है, ये सबसे बढ़िया। इसको हम आयरन से बैठा देंगे फर्स्ट क्लास। तो ये हमारा बनियान बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप और एक बनियान बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ कोई बात है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और इसके लिए रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।